हेलो नमस्ते सत श्री अकाल वेलकम टू माय चैनल हमारी फ्रस्ट्रेशन एंड इस वीडियो में हम कवर करेंगे एमसीक्यूज ऑफ ज्योग्राफी तो स्टार्ट करते हैं तो आप अपनी फ्रस्ट्रेशन इन एमसीक्यूज पे निकाल सकते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये सारे एमसीक्यूज आपके एनसीईआरटी से फ्रेम किए गए हैं तो थोड़ा ध्यान से लर्न कीजिएगा सो लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डैश इज द मेन ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया तो ये सबको पता होगा कि जो मेजर ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी है इंडिया की दैट इज एग्रीकल्चर मूविंग टू सेकेंड क्वेश्चन में आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन दिया है जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी सेकेंडरी एक्टिविटी सी टर्शियरी एक्टिविटी और डी नन ऑफ दीज तो जो हमारा एग्रीकल्चर है दैट इज प्राइमरी एक्टिविटी मतलब जो हमारा एग्रीकल्चर है उसके ऊपर हमारी जो मेजर फोर्स है वो डिपेंडेंट है अपनी सोर्स ऑफ इनकम के लिए तो हम एग्रीकल्चर को बेसिकली पुट करते हैं इन द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी थर्ड क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज से लिया गया है और थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच वन डिस्क्राइब्स अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर Where a single crop is grown on a large scale. तो कौन सा सिस्टम एग्रीकल्चर का आप कहेंगे उस सिस्टम को जहां पे एक सिंगल क्रॉप जो है आप ग्रो करते हो एक लार्ज एरिया के ऊपर तो आपके पास चार ऑप्शंस है दैट इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्लांटेशन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर या इंटेंसिव एग्रीकल्चर तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन बी दैट इज Plantation Agriculture. Moving to question number 4, जो फिर से NCERT की back exercise से लिया गया है उसमें पूछा है कि which of the following is a rabi crop? Rice, gram, millet या cotton? तो इसमें से जो हमारी rabi crop है वो है option number B, that is gram. Question number 5 में आपसे पूछा है Which of the following is a leguminous crop? अब leguminous crop में से चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं आप चूज कर सकते हैं पल्सेस ज्वार मिलेट्स या सेसमे तो आपकी जो leguminous crops है जो सॉइल को और फर्टाइल बना देती है वो है पल्सेस क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है Which of the following is announced by the government in support of crop या For the support of farmers, actually government ने क्या अनाउंस किया था इसमें से मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस मिनिमम सपोर्ट प्राइस मॉडरेट सपोर्ट प्राइस या इन्फ्लुएंशियल सपोर्ट प्राइस तो फार्मर्स के सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी दी थी वो थी मिनिमम सपोर्ट प्राइस दैट इज MSP जिसमें मिनिमम प्राइस पे जो गवर्नमेंट है वो उनसे खरीदेगी क्रॉप्स को और फिर जो है वो बेचेगी ताकि कोई मिडल मैन जो है इनका फायदा ना उठा लें अब हम देखते हैं क्वेश्चन 7 जिसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून और उसे हार्वेस्ट करते हो आप मंथ में सितंबर से अक्टूबर के राबी खारिफ सैद या नन ऑफ द अबव तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो है बी ऑप्शन नंबर बी दैट इज खारिफ क्रॉप तो ऑप्शन नंबर बी पे जो है टिक कर लीजिए खारिफ क्रॉप कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8 स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को क्या कहा जाता है दोनों नाम आपको याद रखने हैं कि स्लैश एंड बर्न को शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है जहां पर नोमैड्स जो है इसे प्रैक्टिस करते हैं एक जगह पर एग्रीकल्चर करने के बाद वो उस लैंड को पैच ऑफ लैंड को क्लियर करके जो है छोड़ देते हैं ताकि वो रिन्यू हो सके फर्टाइल बन सके फिर से और वो दूसरे लैंड पे चले जाते हैं ओके मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9 आपको पूछा है बताइए क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ओके तो इस स्टेटमेंट को आप देख लीजिए इसमें आपको कहा है 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी यस इट्स ट्रू कि जो 2/3 इंडिया की पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में एंगेज्ड है क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है Which agriculture is practiced on small patches of land with primitive tools? तो जो primitive subsistence है वो आपका small patches of land पे किया जाता है
और प्रिमिटिव मतलब पुरानी टूल्स के साथ उसे प्रैक्टिस किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को क्या कहा जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में. अब बुक के अंदर एक बहुत बड़ी टेबल दी है जहां पे आपको इसका बताया है कि इस एग्रीकल्चर को इस स्टेट में ये कहते हैं, उस स्टेट में वो कहते हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. बट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का आप याद रखिए कि इसे जूमिंग बोला जाता है, दैट इज JHUMMING. ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है नेम द टाइप ऑफ फार्मिंग जिसे आप प्रैक्टिस करते हो इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर और लैंड. तो इसका आपका आंसर है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. क्वेश्चन 13 इसमें पूछा है विच ऑफ द फार्मिंग मेथड यूजेस हाई डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स. अब मॉडर्न इनपुट्स किस में यूज किए जाते हैं, ए कमर्शियल फार्मिंग, बी स्लैश एंड बर्न. अब स्लैश एंड बर्न तो ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि उसमें पुराने टूल्स यूज हो रहे हैं. इंटेंसिव सबसिस्टेंस अभी आपने पढ़ा, उसमें भी प्रिमिटिव टूल्स यूज हुए हैं, नन ऑफ दीज तो हो नहीं सकता. अब ऑब्वियसली उसने क्वेश्चन पूछा है कि हाई डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट यूज होता है तो ऐसा तो होगा नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं देगा. तो कमर्शियल फार्मिंग ऐसी फार्मिंग है जिसमें बहुत ज्यादा डोज मॉडर्न इनपुट्स का यूज होता है क्योंकि वो कमर्शियली किया जाता है, कमर्शियल पर्पज के लिए किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 14 में फिर से एक स्टेटमेंट दिया, आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है. प्लांटेशन इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग. तो यस, द स्टेटमेंट होल्ड्स करेक्ट कि प्लांटेशन एक कमर्शियल फार्मिंग का टाइप है. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि कुछ प्लांटेशन क्रॉप्स बताओ. तो जो प्लांटेशन क्रॉप्स है आप कोई भी क्रॉप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे क्योंकि वन मार्कर है. टी, कॉफी या रबर, इनमें से आप कोई भी दो लिख दीजिए, दैट्स इनफ. मूविंग टू क्वेश्चन 16 इसमें कहा है व्हाट आर इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर प्लांटेशन एग्रीकल्चर. ओके, प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए क्या इम्पोर्टेंट है. अब प्लांटेशन एग्रीकल्चर कमर्शियल एग्रीकल्चर का टाइप है, कमर्शियल लेवल पे किया जाता है, कमर्शियल पर्पज के लिए किया जाता है उसे. तो ट्रांसपोर्ट नेसेसरी है, येस. प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज ऑब्वियसली वेरी नेसेसरी एंड मार्केट एंड कम्युनिकेशन, येस. सो आर आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज. सो आंसर इज डी, दैट्स ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 17 ऐसा क्वेश्चन पिछले बोर्ड एग्जाम्स में आया था तो आप इसे जरूर कीजिए क्योंकि वन मार्कर में आपको ऐसा दिया जा सकता है कि आप कैटेगराइज करें क्रॉप्स को या कैरेक्टराइज करें कि ये राबी है, खारिफ है या जैद क्रॉप है. तो आप एक टेबल बना लें, उसमें एक एंड पे लिख लीजिए राबी, खारिफ, जैद, ऊपर आप लिस्ट कर लीजिए राबी, खारिफ, जैद और नीचे लिख दीजिए कौन सी वो क्रॉप है. तो हम एक एक करके देखते हैं. वाटरमेलन, दैट इज जैद क्रॉप. नेक्स्ट वीट, वीट है आपकी राबी क्रॉप. नेक्स्ट है आपके पास ज्वार, ज्वार है आपकी खारिफ क्रॉप. नेक्स्ट इज कुकुम्बर, कुकुम्बर भी है आपकी जैद क्रॉप. नेक्स्ट मस्क मेलन, दैट्स ऑल्सो जैद क्रॉप. रिमेम्बर दीज वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर आर जैद क्रॉप्स. तो इसकी तो कंफ्यूजन ही दूर हो जाती है. नेक्स्ट आती है तूर, विच अ फॉर्म ऑफ अ दाल, दैट्स ऑल्सो खारिफ क्रॉप. एंड नेक्स्ट वी हैव जूट, दैट्स ऑल्सो खारिफ क्रॉप. तो ये आपकी क्लासिफिकेशन हो गई.